गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। इसमें हमने अब तक देख लिया गवर्नमेंट एनालिस्ट देखा था, ठीक है, फिर उसका क्वालिफिकेशन देखा था, देन उसकी ड्यूटीज देखी थी, ओके। देन हमने कल देखा था ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन देख लिया, और फिर क्या देखा था हमने, पावर्स देखे थे। पावर्स में क्या देखा था, इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी एट रीजनेबल प्राइस एट रीजनेबल टाइम, और वो क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है एंड क्या कर सकता है, सीज कर सकता है स्टॉक, एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड्स को, देन एक्सरसाइज भी कर सकता है एंड देन स्टॉप एंड सर्च भी कर सकता है एंड एग्जामिन एंड सर्च भी कर सकता है। ये थे उसके पावर्स, मीन्स वो क्या कर सकता है और फिर उसने क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज इन रिलेशन, मीन्स ड्यूटीज रहेगा सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्यूटीज में क्या आएगा कि ये उसने करना ही चाहिए, उसको ड्यूटीज को उसे असाइन किया जाएगा कि ये ड्यूटीज उसने परफॉर्म करना है। तो उसमें भी दो पार्ट्स रहेंगे, ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। मीन्स अगर कोई वो सेल की यूनिट में, मीन्स जैसे रिटेल शॉप्स है, अगर वहां जाकर वो अगर इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर अगर वो इंस्पेक्ट कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, ये रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो सबसे पहला रहेगा टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, उसे क्या करना है, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मीन साल में दो बार तो भी उसने क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। कहां पे, जो भी उसे एरिया पहले ट्वाइस ईयर एंड असाइंड एरिया, जो भी उसे एरिया असाइन किया गया है वहां पर उसे हर एक रिटेल शॉप में ट्वाइस अ ईयर जाकर इंस्पेक्ट करना है। और उसे क्या चेक करना है, चेक द लाइसेंस कंडीशंस, मींस वहां पर जिसका लाइसेंस लगा हुआ है वही पर्सन, वही क्वालिफाइड पर्सन वहां पर प्रेजेंट है यानी ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग, और जो भी लाइसेंसिंग की प्रोसीजर हो रही है उसके लिए वो बराबर मेंटेन है या नहीं, वो उसको देखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि एटलीस्ट ट्वाइस ईयर उसे इंस्पेक्ट करना है एंड उसके जो भी असाइन एरिया है वहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेंगे हम इफ ही थिंग्स, अगर उसे लगता है इफ ही थिंग्स नेसेसरी कि सैंपल्स को उसे लेना है और उसको सेंड करना है, किसे, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को और गवर्नमेंट एनालिस्ट को, किसके लिए वो सेंड करेगा, एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अगर उसे लगता है कि जो भी रिटेल शॉप में उसने वहां पर जाकर इंस्पेक्ट किया है तो वो वहां जाकर क्या करेगा, अगर उसे कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो जहां वहां जाकर क्या करेगा, सैंपल लेगा और उसे सेंड करेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को और सीडीएम को, ठीक है। उसे क्या करना है, इफ थिंग्स दैट नेसेसरी टू टेक एंड सेंड द सैंपल्स ऑफ डीएनसी व्हिच इज बीइंग सोल्ड और स्टॉक, जो बेचा गया है या फिर स्टॉक करके रखा हुआ है उन सब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का वो क्या सकता है, सैंपल ले सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेटिंग एनी कंप्लेंट मेड राइटिंग टू हिम, अगर उसे कोई भी कंप्लेंट राइटिंग में मिली है, अगर किसी पर्सन ने उसे राइटिंग में अगर कंप्लेंट दी है कि ये जो भी रिटेल शॉप है यहाँ पर डिस्पेंसिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं हो रहा है, ओटीसी ड्रग्स बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है या फिर वहाँ पे सेल्फ सर्विसिंग मेथड स्टार्ट हो गई है, तो उस राइटिंग कंप्लेंट के ऊपर वो क्या कर सकता है, कभी भी जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके लिए उसे ट्वाइस अ ईयर का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, वो कभी भी जाकर वहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रीच, मीन्स अगर कहीं पर कुछ भी, अगर किसी रिटेल फार्मेसी में अगर कोई प्रोसीजर शुरू है, अगर वहाँ पे कोई जो भी क्या कहेंगे ऑफेंस कंडक्ट हुआ था, अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस कंडक्ट हुआ उसका कुछ केस अगर शुरू है उस टाइम में क्या होगा इन केस ऑफ ब्रीच। ब्रीच मीन्स अगर किसी ने उल्लंघन किया है उस जो भी लॉज का रहेगा, उसको उल्लंघन किया है, उसका जो भी लॉ को ब्रेक किया है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे इंस्टीट्यूट करना मीन्स पढ़ाना ही नहीं होता या इंस्टीट्यूट में पढ़ना ही नहीं, इंस्टीट्यूट मुझे मीन्स उसे पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज लेंगे तो हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेट, लेकिन इंस्टीट्यूट का भी मीनिंग क्या होगा, सिंपल इन्वेस्टिगेशन वो करेगा कि जहाँ पर भी जो भी केसेस शुरू है, अगर किसी रिटेल फार्मेसी में कोई केस शुरू है तो वहाँ पर भी अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो एक्ट का, वो भी क्या करेगा, वो चेक करेगा। देन नेक्स्ट है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटेड ऑल इंस्पेक्शन, उसे क्या करना है, और जो भी इंस्पेक्शन वो ट्वाइस ईयर करेगा या फिर इन बिटवीन करेगा जब उसे राइटिंग में मिलेगा, तब उसे उन सारे इंस्पेक्शन का क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है।
मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड देन टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन. उसे जहां पर भी ऐसा लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो उसे इंक्वायरी करके इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर उसे सस्पिशियस लगता है, इफ नेसेसरी, अगर वो थिंक करता है कि नेसेसरी है, तो वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन कर सकता है. एंड देन टू डिटेन इंपोर्टेड पैकेजेस. अगर जो भी इंपोर्टेड हुआ ड्रग रहेगा, अगर कहीं पर स्टॉक हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसे डिटेन कर सकता है, डायरेक्टली उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो डिटेन कर सकता है उसे. ठीक है, ये हो गया टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन एंड देन टू डिटेन द इंपोर्टेड पैकेजेस. सबसे पहले देखा हमने एटलीस्ट ट्वाइस ईयर उसे असाइन एरिया में क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है. देन अगर इफ ही थिंक्स नेसेसरी कि अगर उसे सैंपल्स लेकर सेंड करना है एनालिसिस के लिए, तो वो करेगा. देन अगर उसके पास कोई भी कंप्लेंट राइटिंग में आ रही है, तो वो उसे सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा. एंड देन अगर उसे इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो अगर किसी केस पे हो, अगर केस हो, तो इन केस ऑफ दैट अगर उसे लगता है कि वहां पे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है, तो एट दैट कंडीशन वो वहां पे इंस्टीट्यूट कर सकता है. देन नेक्स्ट, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटेड ऑल इंस्पेक्शन, उसे जो भी इंस्पेक्शन के सबके क्या है रखने पड़ेंगे, उसे रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे एंड उसे इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन भी करना है, और वो डिटेन कर सकता है इंपोर्टेड पैकेजेस को. ये हो गया सेल ऑफ डीएनसी. अगर उसकी ड्यूटीज असाइन करें, तो सेल की इसमें उसकी क्या ड्यूटीज है वो हमने देख ली. अब हम देखेंगे ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. मीन्स अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर उसे इंस्पेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या उसकी ड्यूटीज रहेगी, सेम रहेगा. पहला पॉइंट भी टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस ईयर, उसे ट्वाइस ईयर इंस्पेक्ट करना है, लेकिन असाइंड एरिया में ही करना है, और उसे क्या चेक करना है, लाइसेंसिंग कंडीशंस चेक करना है. ओके, देन नेक्स्ट, टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी. जो भी ड्रग्स शेड्यूल सी में आएंगे, हमने उसमें क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल स्पीसीज प्रोडक्ट्स जो रहेंगे, वो जो भी शेड्यूल सी का जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू रहेगा, वहां पर अगर वो इंस्पेक्शन कर रहा है, उसे जहां पर भी इंस्पेक्ट कर रहा है प्रीमाइसेस को, ऐसे प्रीमाइसेस को जहां पे किसका लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन किसका स्पेसिफाइड शेड्यूल सी रहेगा, तो उसे वहां जाकर क्या करना है, टू ऑब्जर्व प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स वहां जाकर उसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, उसे ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करेगा, वहां पर अगर एम्प्लॉयड किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका टेस्टिंग कैसे हो रहा है, देन स्टोरेज कैसा कर रहे, देन क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, वहां पर जो भी टेक्निकल स्टाफ प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, उसे उनका क्या करना है, क्वालिफिकेशन चेक करना है. एंड देन लोकेशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें है, वो उसे क्या करनी है, चेक करनी है, ऑब्जर्व करनी. कब? जब वो ड्रग, जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शेड्यूल सी के अंडर आएगा और स्पेसिफाइड शेड्यूल सी रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे टू सेंड रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी. ऑब्वियस है, जो भी उसके पास, जो भी उसने इंस्पेक्शन किया है, जैसे उसने अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर इंस्पेक्शन किया, तो ऑब्वियसली उसे वहां से कुछ रिकॉर्ड मिलेगा, वो रिकॉर्ड की वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और वो रिपोर्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को क्या करेगा, सेंड करेगा. ओके, देन नेक्स्ट है टू टेक सैंपल्स फ्रॉम, तो क्या, टू टेक सैंपल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेंड देम फॉर एनालिसिस. मीन्स वो क्या करेगा, जहां पर भी उसे जाना है, वहां से क्या करेगा, सैंपल्स लेगा, और वहां से वो सैंपल्स लेकर सेंड करेगा एनालिसिस के लिए. देन टू चेक ऑल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, वो जहां पर भी इंस्पेक्शन करने जाएगा, तो ऐसा नहीं रहेगा कि इंस्पेक्शन करने चला गया तो सिर्फ ड्रग्स को, नो, उसे उसका रिकॉर्ड्स रजिस्टर सब मेंटेन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वहां पे जो भी, जैसे हम देखते हैं कि एक आपका एग्जांपल बताते, जैसे शेड्यूल एक्स ड्रग्स रहता है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स को आप ऐसे ही नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. अगर आप उसका सेल कर रहे हो और आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या देखना पड़ता है, आपने रॉ मटेरियल कितना लिया था, देन आपने वेयर हाउसिंग के लिए कितनी देर तक रखा, देन आपने फिनिश प्रोडक्ट कितना निकाला है, वो सब आपको चेक करना पड़ता है. तो उस टाइम पे आपको रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर को 100% चेक करना पड़ेगा. ठीक है, देन टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रीच. वैसे अगर आपको लगता है कि कहीं पर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो दोबारा ना हो, वो रिपीट ना हो, इसलिए आपको वहां पर भी दूसरी बार इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. ये हो गया हमारे ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीएनसी एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. ओके, थैंक यू.